बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इधर कह रहे हैं कि ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। आगे पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं जी। फिर कह रहे हैं कि कैलकुलेट देयर मीन्स एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। तो जी आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए कि आज आपको कहा जा रहा है कि प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, जबकि वहां पर हमें कहा गया था उन दो सवालों में कि हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन बनानी थी। तो आगे फिर ये कह रहे हैं कंप्यूट मीन एंड वेरियंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड कंपेयर दैम विद पॉपुलेशन मीन एंड वेरियंस। तो ये तो बाद में देखेंगे। इसमें जी सैंपल्स ड्रा करना, ये तो हम क्वेश्चन 1 में भी कर चुके हैं, और फिर उन सैंपल्स के मीन्स ये भी बनाए गए वहाँ पर, तो ये काम तो हम करते हैं। तो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स जो बुक में थे मैंने लिखे, सैंपल साइज हमें 2 का कहा गया है, इसलिए स्मॉल एन 2, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, कैपिटल एन 4 है जी, ये 4 पॉपुलेशन में वैल्यूज़ हैं, इसलिए कैपिटल एन 4 है। ये लाइन आप हर क्वेश्चन में लिखते हैं, देयर आर एन सी एन, तो कैपिटल एन की जगह और स्मॉल एन की जगह वैल्यूज पुट की, तो आपको मिलता है आंसर 6 पॉसिबल सैंपल्स, 6 सैंपल मुमकिन है, इसलिए हमने सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक देना है। बाकी आपको ये रिवीजन है कि सैंपल साइज 2 का बनाना, 16 को 18 के साथ मिलाइए, फिर 16 को 20 के साथ मिलाइए, फिर 16 को 22 के साथ। तो जी 16 18 के साथ मिलेगा, 16 20 16 22, फिर अब 16 तो सबके साथ मिल चुका है, अब 16 से अगला नंबर 18 उसको दाएं तरफ सबके साथ मिलाइए, 18 20 18 22, 18 भी राइट साइड पे सबके साथ मिल चुका है, अब 20 को दाएं तरफ मिलाएंगे, एक ही नंबर है यहां पर 20, ये काम तो हम पहले देख चुके हैं। आगे सैंपल्स के मीन बनाना है जी, तो सैंपल का मीन आपको बताया गया था, एक्स बार उसकी नोटेशन है, सैंपल का मीन आप वही बात है कि आप इन दो वैल्यू 16 18 को ऐड करके 2 को डिवाइड कीजिए, तो आपके पास इनको ऐड करने से आंसर आता है 34, और क्योंकि ये इनकी तादाद 2 है तो सम ऊपर आ गया और नीचे इनकी तादाद आ गई। सिमिलरली बाकी मैं इसके सम्स निकाल लेता हूँ। जी सैंपल की मीन बनाने वाला काम तो हम पहले भी करते रहे हैं, ये हो गया। आज का जो काम डिफरेंट था वो ये है कि इस काम के बाद आपने बनाया था पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, जबकि आज आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को कहा गया। तो इसमें भी तरीका यही है कि आप एक्स बार कॉलम पहले बनाएंगे, उसकी वैल्यूज को आप एक एक बार लिखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 34, फिर उससे बड़ी है जी 36, फिर 38, दो दफ़ा आ रही है लेकिन हम उसे एक बार लिखेंगे 42, और दिस इज 42। आगे टैली बार है, ये बनाना चाहिए आपको, 34 36 38 38 40 42, फ्रीक्वेंसी 1 1 2 1 1, फ्रीक्वेंसी का सम है, ये 6 आ रहा है जी, ठीक है आपका काम यहाँ तक, 6 और ये 6 इक्वल आने चाहिए, ये आ रहे हैं। अब इस काम से आगे जो था क्वेश्चन 1 और 2 में जब आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कही गई थी तो आप कॉलम बनाते थे एफ ऑफ एक्स बार, जो आज नहीं बनाना, आज आपका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। तो सैम्पल मीन की वैल्यूज आ गई कॉलम 1 में और आगे आ गई है फ्रीक्वेंसी, तो यानी एक्स बार और फ्रीक्वेंसी कॉलम, तो ये काम आपका मुकम्मल हो गया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, टोटल फ्रीक्वेंसी 6 है जी, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी 6 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 1 1 2 1 1 के हिसाब से सैंपल की वैल्यूज में। तो यहाँ तक है एक काम। नेक्स्ट आपको कहा गया था कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन आपने बनाई है, अब इसका मीन निकालिए और इसका वेरियंस निकालिए। तो इसका जो मीन होगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूँ मैं, मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू
इसका फार्मूला, इसकी नोटेशन तो वही है म्यू एक्स बार, लेकिन इसका फार्मूला उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बेसिकली ये फार्मूला वही है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखना है आपने। यानी जो आपका आम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता था चैप्टर नंबर 3 में, तो वहाँ था समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो आज एफ एक्स की जगह एफ एक्स बार आ जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना है जी, और आपको पता है कि अब ये फार्मूला आपको इस डेटा के ऊपर अप्लाई करना है। तो फार्मूला में समेशन पे हाथ रखिए, तो बचता है हमारे पास एफ एक्स बार, तो यहाँ कॉलम बनाएंगे एफ एक्स बार का। नेक्स्ट मैं इसकी जगह छोड़ता हूँ जी, थोड़ी सी जगह छोड़कर दूसरा काम हमें कहा गया था वेरियंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। दिस इज, इसकी नोटेशन भी सिग्मा स्क्वायर एक्स बार ही होगी, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। लेकिन आज इसका फार्मूला भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, यहीं पर लिखता हूँ, ये फार्मूला भी ग्रुप डेटा का जो वेरियंस का फार्मूला था चैप्टर नंबर 3 में उस जैसा ही है। जस्ट वहाँ एक्स आता था, यहाँ एक्स बार आ रही है जी, बाकी फार्मूले का स्ट्रक्चर उस जैसा ही है। तो अब इस फार्मूला में आने वाला जो समेशन एफ एक्स है वो तो ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर समेशन पे हाथ रखता हूँ मैं, तो बचता है एफ एक्स स्क्वायर। तो ये सम निकालने के लिए हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स बार का स्क्वायर जी। तो मीन के लिए एफ एक्स बार वो कॉलम बन गया, और वेरियंस के लिए एफ एक्स बार स्क्वायर ये कॉलम हमें बनाना है। अब कॉलम बनाने का तरीका तो आपको आता है, मैं ये टाइम सेव करने के लिए कॉलम खुद से बना लेता हूँ और उनके सम्स निकाल कर यहाँ जस्ट पुट करता हूँ। ये जी एफ एक्स बार कॉलम की एंट्रीज मैंने सारी फिलअप की हैं और एफ एक्स बार स्क्वायर की। तो इसका तरीका तो आप पहले देख चुके हैं। तो ये इस कॉलम का सम आएगा 228/2, इसको मैंने डिवाइड किया तो 114 आ गया। सिमिलरली 8704 को 4 पर डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास, ये दो सम आए। ये सम मीन के फार्मूला में पुट किया जी, और ये दोनों सम्स 114 और 2176 ये यहाँ ये ऊपर पुट किए वेरियंस के फार्मूला में। बाकी समेशन एफ जो है वो 6 है हमारे इस काम में जी, यहाँ भी सिक्स पुट किया और सॉल्व किया, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आ रही है 1.67। ये दूसरा काम हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया जी। इसके बाद आपको कहा गया है कि आप क्या करें कि ये जो म्यू एक्स बार आई है, इस कह रहे हैं कि इसको आप कंपेयर कीजिए पॉपुलेशन मीन के साथ, जो पॉपुलेशन है जहाँ से सैंपल निकाले गए थे। तो ये जो मीन आया है म्यू एक्स बार, ये आपको पहले भी बताया गया था कि म्यू एक्स बार 19, इसका मतलब ये होता है कि सैंपल मीन्स ये जो 6 सैंपलों के 6 मीन है, इन 6 मीनों का दोबारा मीन ये 19 है जी। तो वो कह रहे हैं कि म्यू एक्स बार का आप कंपेरिजन कीजिए इस पॉपुलेशन के मीन के साथ। तो पॉपुलेशन का मीन आपको मालूम है वो होता है म्यू, तो इसको तो हम पहले लेक्चर में मालूम कर चुके हैं, तो मैं इसको भी डायरेक्टली मालूम कर दूंगा। ये लिखा है जी फॉर कंपैरिजन, अब पॉपुलेशन का मीन तो म्यू होता है और उसका फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन है, तो क्योंकि पॉपुलेशन का मीन है तो ये पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स हैं इनसे आएगा, लिहाजा आपने फार्मूले में आने वाला एक्स जो है वो आपका पॉपुलेशन डेटा है जी। तो एक्स लिखा और नीचे पॉपुलेशन की वैल्यूज लिखी और उनका सम किया, तो आप हवाले दीजिए पुट वैल्यूज इन 3 तो म्यू निकल आएगा जी। जी तो मीन के फार्मूला में समेशन एक्स की वैल्यू 76 पुट करिए, कैपिटल एन आपका 4 है, ये पुट किया हमने जी, मैंने अलग से किया इसको दूसरे पेज पर, जगह नहीं थी यहाँ। तो इस फार्मूला नंबर 3 के अंदर समेशन एक्स की 76 और कैपिटल एन की वैल्यू मैंने 4 पुट की है, तो अब मेरे पास आंसर आ गया म्यू का 19। अब आप गौर कीजिए कि म्यू का आंसर 19, इट मीन्स पॉपुलेशन की जो वैल्यूज हैं इनका आंसर इनका मीन 19 आ रहा है। तो ये पॉपुलेशन का मीन 19 है और म्यू एक्स बार भी 19 है, यानी फ्रॉम 1 and 4 म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये आपसे बराबर हो गई है। तो हम लिखेंगे, ये मैंने लिखा है फ्रॉम 1 and 4 म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, तो ये रूल हमें याद भी करना है। अब आते हैं दूसरा कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन मींस कि ये कंपैरिजन था मीन्स का,
अब वेरियंस का कंपैरिजन है, तो जो आपने ये वेरियंस निकाला है, वेरियंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, इसका कंपैरिजन आपने करना है पॉपुलेशन की वैल्यूज के वेरियंस के साथ, यानी पॉपुलेशन का वेरियंस सिग्मा स्क्वायर उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है कि क्या वो बराबर है या नहीं है, या वो किस तरह से बराबर हो सकते हैं। तो इस पॉपुलेशन का वेरियंस जी, वो फार्मूला भी हम देख चुके हैं, मैं उसको अब लिखूंगा और उसका आंसर भी एक ही बार मारूंगा। ये जी पॉपुलेशन के वेरियंस का फार्मूला जो पहले लेक्चर में भी लिखा गया था, अब इसको मालूम वहाँ पर किया गया, आप उसको देखिए कैसे किया गया था। बहरहाल सिग्मा स्क्वायर में एक फार्मूला में वैल्यूज पुट की है हमने और सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ रहा है 5। तो यहाँ से आप देखिए कि पॉपुलेशन का वेरियंस सिग्मा स्क्वायर 5 आ रहा है, यानी पॉपुलेशन की वैल्यूज का वेरियंस 5 है, जबकि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार वो है 1.6। तो ये सिग्मा स्क्वायर 5 है और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 1.6 आपस में इक्वल नहीं है। तो कंपैरिजन में एक बात तो ये दिखनी है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार एंड सिग्मा स्क्वायर आर नॉट इक्वल फॉर दिस डेटा, इस डेटा में तो ये बराबर नहीं है, कभी कभार बराबर हो भी सकते हैं लेकिन ज़्यादातर बराबर नहीं होते हैं। अब अगर बराबर नहीं है तो ये किस सूरत में बराबर हो सकते हैं, ये रूल वही है जी जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ किया था, उस रूल के तहत ये बराबर हो सकते हैं। उस रूल से मेरा मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ जी, उस रूल के अंदर राइट साइड पर ये क्वांटिटी थी सिग्मा स्क्वायर ओवर एन इंटू कैपिटल एन माइनस वन एन डिवाइड बाई एन माइनस वन। जब आप इस में वैल्यूज पुट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर 5 यहाँ पुट किया और स्मॉल एन आपका क्वेश्चन में 2 चल रहा है, कैपिटल एन 4 चल रहा है जी, ये वैल्यूज पुट की इन्हें सॉल्व किया, ये चीज़ आ रही है 1.67, यानी ये चीज़ जो है इसका आंसर बराबर आ रहा है आपका इस सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की, ये भी 1.67 है जी और ये भी आपके सामने है। तो यानी आप कहेंगे कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार और ये चीज़ बराबर है आपस में, ये सारी क्वांटिटी, तो इसको आप लिखिए। तो जी मैंने लिखा है हेंस फ्रॉम 2 एंड 5 सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू दिस वन। तो ये रूल पूरा हमें याद रखना है, वैसे भी ये बहुत अहम रूल है जो आगे हमें क्वेश्चंस में याद करने से काम चलेगा। तो आज का लेक्चर में कुछ काम हमने क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स का हवाला देकर किया है, तो आपको वो लेक्चर्स पहले करना है और फिर इस काम को करना है, क्योंकि कुछ काम यहाँ पर डायरेक्ट हुए हैं। मैं एक बार आपको इसका क्लोज दिखा देता हूँ सारे काम का, ताकि अगर किसी को देखने में मुश्किल हो रही हो तो। यहाँ पर ख़त्म हो गया काम, अल्लाह हाफिज। ये एक ही क्वेश्चन है इस तरह का, तो नेक्स्ट हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करेंगे, अल्लाह हाफिज़।